नदौन वार्ड में 13 में 7 से 8 एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनी और प्लाट बेचने का चल रहा था काम, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री के आदेशों को सीएम मोहन यादव ने पलटा है कि अवैध कॉलोनियों पर की जाएगी कार्यवाही, लेकिन प्रशासन जानबूझकर अवैध प्लॉटिंग और घर बन जाने देती है। गरीब अपनी जिंदगी भर की पूंजी फंसा लेते हैं, उसके बाद प्रशासन कार्रवाई का डर दिखाती है, जबकि प्लॉटिंग होने के समय ही अगर पूरे दस्तावेज और कागज की जांच की जाए तो लोग अवैध कॉलोनियों को खरीदेंगे ही नहीं और अपनी जिंदगी भर की पूंजी को नहीं फंसाएंगे और परेशान होंगे। लखनादौन में वार्ड नंबर 13 पर अवैध प्लॉटिंग चल रही थी, जब प्रशासन दौड़ी तो सभी लोगों ने अपना काम छोड़कर, अधिकारियों का कहना है कि जबलपुर में किसी श्रीवास्तव की जमीन है, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। इस कार्य के लिए अवैध प्लॉटिंग में लखनादौन निर्वाचन कार्य के बाद होगी कार्यवाही। जो लखनादौन नगर पालिका के अंतर्गत 13 नंबर वार्ड है, उस पर अवैध प्लॉटिंग की सब जगह बात है और हो भी रही है, उस पर आपका क्या कहना है? वो हमारे क्लिंचिंग ग्राउंड के सामने का एक घोषणा है, शिकायत प्राप्त होने पर हम वहाँ गए थे और संबंधित को हमने नोटिस जारी किया है कि कार्रवाई किस कौन कर रहा था वहाँ प्लाटिंग? प्लाटिंग को श्रीवास्तव जी हैं जबलपुर से। नाम? कुछ श्रीवास्तव जी, नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन उनका सर नेम याद है कि कुछ श्रीवास्तव जो लोकल से कोई लोकल से करने वाले सोनी जी। कौन सोनी जी की बात कर रहे हैं आप? सुनने मैम, लखनादौन में जो अवैध प्लाटिंग 13 नंबर पे चल रही थी, 14 नंबर पे, उस पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या मामला संज्ञान में है? सर, एक मीडिया से हैं तिलक जाटव जी, उन्होंने सीएम हेल्पलाइन लगाई हुई थी और जैसे ही वो मेरे संज्ञान में आई कि इस जगह ये अवैध प्लाटिंग हुई है, और मेरे कर्मचारी अधिकारियों के साथ निरीक्षण गई तो वहाँ ऐसा मामला तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन हाँ जो खम्भे थे और जो मकान मालिक थे प्रकाश श्रीवास्तव जी, उनको मैंने सूचना भिजवाई कि ये अवैध निर्माण जो आपके यहाँ चलने वाला है ये आप बंद करा दीजिए और नहीं तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी, तो उन्होंने तुरंत वो कार्य बंद कर दिया, वर्तमान में चालू नहीं। लखनादौन के आसपास इतनी प्लाटिंग चल रही है, कौन कौन सी वैध है, कौन कौन सी अवैध है, क्योंकि इससे पहले अलग तहसीलों में एसडीएम ने एफआईआर दर्ज की है, तो यहाँ पे ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, मैं अभी आई हूँ वर्तमान में, मेरे पहले जो भी अधिकारी रहे उस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, वर्तमान में मैं आई हूँ और जैसे ही मैं आई हूँ आचार संहिता के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए उस दौरान मैं इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाई हूँ। अभी निर्वाचन से फ्री होके अब अगला टारगेट हमारा वही रहेगा। कार्रवाई